हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग को राम कुमार के बारे में बताऊंगा, जो एक समकालीन कलाकार हैं और काफ़ी फेमस कलाकार हैं ये। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। राम कुमार, इनका जो समय है 1924 से लेकर 2018 ईस्वी। राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में, शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राम कुमार के बड़े भाई हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जो हैं वो राम कुमार के बड़े भाई हैं, जो हिंदी साहित्यकार हैं। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में MA कहाँ से किया था? सेंट स्टीफंस कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने इकोनॉमिक्स में MA किया था। 1943 ईस्वी में MA में अध्ययन करते हुए राम कुमार ने किसके निर्देशन में कला की कक्षाएं ली? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में सैलोज मुखर्जी से इन्होंने कला की कक्षाएं ली थी। सन 1950 ईस्वी में पेरिस में राम कुमार ने किसके निर्देशन में विधिवत कला शिक्षा प्राप्त की? आंद्रे लोते व फर्नांड लेगर, इन दोनों कलाकारों से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। आंद्रे लोते व फर्नांड लेगर किस कलावाद के थे? फ्रेंच घनवादी ये कलाकार थे दोनों। राम कुमार किस रूप में प्रसिद्ध थे? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। राम कुमार ने अपने दृश्य चित्र सर्वाधिक किस माध्यम में बनाए? तैल या एक्रेलिक में इन्होंने अपने लगभग अधिकतर चित्र बनाए हैं। राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? 1948 ईस्वी में पेरिस में। राम कुमार चित्रकार के साथ और किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्यकार के रूप में। राम कुमार की अब तक कुल कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? आठ आठ पुस्तकें लगभग इनकी छप चुकी हैं। उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस चित्रकार को सम्मानित किया था? राम कुमार को। 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास पुरस्कार किसे मिला? राम कुमार को। कालिदास पुरस्कार ये है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और राम कुमार को ये पुरस्कार 1986 में मिला था। 1972 ईस्वी में प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ राम कुमार को। राम कुमार को पद्म भूषण कब मिला? 2010 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2011 ईस्वी में ललित कला अकादमी का फेलोशिप किसे प्राप्त हुआ? राम कुमार को। वह चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया? राम कुमार। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इनसे संबंधित, कि कौन सा चित्रकार है जो बनारस के घाटों का चित्रांकन किया है। वह चित्रकार जिसने बनारस व शिमला शहर की चित्र श्रृंखला बनाई? राम कुमार ने। राम कुमार की एक कृति बैकबॉन्ड, द बैकबॉन्ड को क्रिस्टी न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क की नीलामी में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 1.1 मिलियन डॉलर में ये बिकी थी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार थे राम कुमार। पहले भारतीय कलाकार जिन्होंने रूपप्रद आकृतियों फिगरेटिज्म को छोड़कर अमूर्त चित्रकारी अब्स्ट्रैक्ट आर्ट की राम कुमार ने किया था। बनारस के घाट चित्र श्रृंखला किसने बनाई? राम कुमार ने। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। राम कुमार को चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था? वायलिन बजाने का इन्हें शौक था। मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों द्वारा अपने अनुभवों को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूं, किसने कहा है ये? राम कुमार ने कहा है। राम कुमार शिल्पी चक्र के सदस्य कब बने? 1948 ईस्वी में। राम कुमार का 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में कहाँ निधन हो गया? दिल्ली में इनका निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में, 2018 को
14 अप्रैल में। राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र, इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं तो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। वाराणसी चित्र श्रृंखला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। वाराणसी चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? राम कुमार ने। बेरोजगार, स्नातकोत्तर, खंडहर, अलविदा, अतीत, ये भी काफ़ी फेमस है, ये तैल में इन्होंने चित्रकारी की है। परिवार, 1954 में इन्होंने बनाया है परिवार को। स्वप्न, 1958 ईस्वी में तैल माध्यम में बनाया है ये। उड़ान, द बैग बॉन्ड, दो बहनें, श्रद्धांजलि, सत्यवान, बसंत, धार, मजदूर की मौत, सैड टाउन, सारो, दुख, थ्री वुमेन भी चित्र इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने राम कुमार के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से नोट करें और इसे अच्छे से पढ़ें। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें दोस्तों, स्किप ना करें बीच में। धन्यवाद दोस्तों।